आज की वीडियो में हम आपके साथ पाकिस्तानी अदाकारा माँ और बेटे के बारे में शेयर करेंगे। आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली तो आप यकीनन इनके बारे में जान पाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। बात करते हैं इकरा अजीज़ की। इकरा अजीज़ बहुत ही टॉप एक्ट्रेस और मॉडल है। इन्हें ज़्यादा शोहरत ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत में मिली है। अब इनकी फैमिली में भी इनका एक बेटा है। अब बात करते हैं निदा यासर की। निदा यासर बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस और होस्ट भी है। आजकल ये एआरवी डिजिटल पर बहुत ही अच्छे प्रोग्राम करती है। इनकी फैमिली में इनके दो बेटे हैं। इनके बेटों के नाम, एक का नाम फरीद है और इनके छोटे बेटे का नाम बिलाज है और इनकी फैमिली को पसंद किया जाता है। अब बात करते हैं मीशा शफी की। मीशा शफी भी टॉप एक्ट्रेस और मॉडल है। ये मशहूर अदाकार सबा हमीद की बेटी है। अब इनकी फैमिली में इनका एक खूबसूरत बेटा है जिनकी पिक्चर आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं रहमा खान की। रहमा खान ने 40 साल की उम्र में जाकर शादी की है। अल्लाह ताला ने इन्हें 42 साल की उम्र में एक खूबसूरत बेटा दिया है और अपने बेटे की पिक्चर शेयर करती है और अपने बेटे के साथ काफ़ी खुश नज़र आती है। ये बहुत ही मशहूर अदाकारा, ये फिल्मी अदाकारा है। अब बात करते हैं सरवत गिलानी की। सरवत गिलानी का नाम भी टॉप एक्ट्रेस और मॉडल में शामिल होता है। सरवत गिलानी के दो बेटे हैं जिनकी पिक्चर आप देख रहे हैं और अपने बेटों की पिक्चर शेयर करती है और इसकी फैमिली को पसंद किया जाता है। अब बात करते हैं अरीज फातिमा की। अरीज फातिमा बहुत ही खूबसूरत अदाकारा है। इनका नाम कपल एक्ट्रेस में शामिल होता है। अरीज फातिमा की फैमिली में भी इनका एक बेटा है। अपने बेटे के साथ वीडियो शेयर करती है और पिक्चर शेयर करती है और प्यार करते हुए नजर आती है। बात करते हैं खूबसूरत अदाकारा नेमल खावर की। नेमल खावर भी एक टॉप एक्ट्रेस और मॉडल है। ये मशहूर पाकिस्तानी अदाकार हमजा अली अब्बासी की अहलिया है और इस कपल को बहुत पसंद किया जाता है। अब इनकी फैमिली में इनका एक खूबसूरत बेटा है। अपने बेटे की पिक्चर शेयर करती है। अब बात करते हैं जुगन काजम की। जुगन काजम का नाम भी उन अदाकारों में शामिल होता है जिनकी पहली शादी नाकाम हो जाती है। अब इनकी दूसरी शादी कामयाब हुई है। अब इनकी फैमिली में इनका एक बेटा है और वो पिक्चर शेयर करती है। अब बात करते हैं फैज़ा हसन की। फैज़ा हसन आखिरी बार ड्रामा सीरियल नंद में एक्टिंग करते हुए नजर आई थी और इन्हें फकीर भी बनाया गया था। फैज़ा हसन का भी एक खूबसूरत बेटा है। अब बात करते हैं हीरा मानी की। हीरा मानी का नाम भी टॉप एक्टर मॉडल में शामिल होता है। हीरा मानी की फैमिली में इनके दो बेटे हैं मुजम्मिल और इब्राहिम और इनकी फैमिली को पसंद किया जाता है। अब बात करते हैं नादिया खान की। नादिया खान अदाकारी के साथ साथ होस्टिंग भी करती है और इस अदाकारा का नाम भी उन अदाकारों में शामिल होता है। इनकी पहली शादी नाकाम हो जाती है। अब इनकी दूसरी शादी कामयाब है। इनके अब दो बेटे हैं। इनका एक बेटा तो 6 फुट का है। अपने बेटे को देखकर हैरान होती है। अब बात करते हैं जवेरिया साउथ की। जवेरिया साउथ बहुत ही कामयाब अदाकारा है। जवेरिया साउथ का भी एक बेटा है। अपने बेटे की पिक्चर शेयर करती है और वो अपने बेटे को बहुत बड़ा स्टार बनाना चाहती है। बेटा इनका हमेशा इनके साथ ही होता है। अब बात करते हैं अरूसा कुरैशी की। अरूसा कुरैशी और बिलाल कुरैशी, इनका नाम कपल जोड़ी में शामिल होता है। अब इनकी फैमिली में इनके दो बेटे हैं और ये अपने बेटों की पिक्चर भी शेयर करते हैं और इनकी फैमिली को पसंद किया जाता है। अब बात करते हैं किंजा मलिक अवान की। किंजा मलिक अवान का नाम भी सीनियर अदाकारों में शामिल होता है। किंजा मलिक अवान का भी एक बेटा है। इनके बेटे का नाम अली जान है और ये अपने बेटे के साथ पिक्चर शेयर करती है।
अब बात करते हैं शहीन खान की। शहीन खान भी आजकल ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आ रही है। शहीन खान की फैमिली में भी इनका एक बेटा है जो इनमें हाइट में काफ़ी बड़ा लगता है। अब बात करते हैं नादिया खान की। नादिया खान का नाम भी सीनियर अदाकारों में शामिल होता है। आजकल ये ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आ रही है। इनकी फैमिली में भी इनका एक बेटा है और ये अपने बेटे के साथ पिक्चर शेयर करती है। अब बात करते हैं बीना चौधरी की। बीना चौधरी का नाम टॉप एक्ट्रेस और सीनियर एक्ट्रेस में शामिल होता है। बीना चौधरी की फैमिली में भी इनका एक बेटा है ये अपने बेटे के साथ पिक्चर शेयर करती है और इनकी फैमिली को पसंद किया जाता है। अब बात करते हैं फरीदा शबीर की। फरीदा शबीर का नाम भी सीनियर अदाकारों में शामिल होता है। आजकल ये ड्रामा सीरियल गिरफ्त में अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आ रही है। इनकी फैमिली में भी इनका एक जवान बेटा है अपने बेटे के साथ पिक्चर शेयर करती है। अब बात करते हैं फातिमा इफंदी की। फातिमा इफंदी का नाम भी टॉप एक्ट्रेस और मॉडल में शामिल होता है। आजकल ये ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आ रही है। फातिमा इफंदी की फैमिली में भी इनके दो बेटे हैं। अब बात करते हैं मशहूर अदाकारा ऐजा खान की। ऐजा खान का नाम भी टॉप एक्ट्रेस और मॉडल में शामिल होता है। ऐजा खान की फैमिली में भी इनका एक बेटा है। इनके बेटे का नाम रियान तैमूर है और इनकी फैमिली को पसंद किया जाता है। अब बात करते हैं मैमल शेख की। मैमल शेख का नाम भी टॉप एक्ट्रेस और मॉडल में शामिल होता है। मैमल शेख मशहूर अदाकार जावेद शेख की बेटी है और इनकी फैमिली में भी इनका एक बेटा है और अपने बेटे के साथ पिक्चर शेयर करती है। अब बात करते हैं सैमा कुरैशी की। सैमा कुरैशी का नाम भी टॉप एक्ट्रेस और मॉडल में शामिल होता है। आजकल ये ड्रामा सीरियल निकाह में अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आ रही है। इनका भी एक बेटा है। इनके बेटे का नाम दनियाल कुरैशी है और पिक्चर शेयर करती है। अब बात करते हैं सानिया शमशाद की। सानिया शमशाद आजकल ड्रामा सीरियल गिरफ्त में अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आ रही है। सानिया शमशाद का भी एक बेटा है और अपने बेटे के साथ पिक्चर शेयर करती है और इनकी फैमिली को पसंद किया जाता है। अब बात करते हैं सेमी पाशा की। सेमी पाशा का नाम भी सीनियर अदाकारों में शामिल होता है। आजकल ये ड्रामा सीरियल तेरे बिन और ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था एक्टिंग करते हुए नजर आ रही है। इनकी फैमिली में भी इनके दो बेटे हैं और इनके बेटे दोनों जवान है। अब बात करते हैं मशहूर अदाकारा सबा फैसल की। सबा फैसल का नाम सीनियर अदाकारों में शामिल होता है। सबा फैसल के भी दो जवान बेटे हैं अरसलान फैसल और सुलेमान फैसल और इनकी फैमिली को पसंद किया जाता है। इनकी फैमिली का तल्लुक शोबिस की दुनिया से है। ये थी हमारी आज की वीडियो। इन अदाकारों में आपका पसंदीदा अदाकार कौन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें।